बजाय अपनी गलती मानने के अपनी इस भाभी को जो तुम पे जान निछावर करती है आंखें दिखा रही हो? जान निछावर करने वाली नहीं कही है, मीठी छुरी कही है, आस्तीन में छुपा हुआ सांप कही है। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं बंद करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने उसे बुलवाया तो ये गलत है। मैं अपने कमरे में थी जब ये उसे वहां पे लेके आ गई थी। रुहेल मुझसे नहीं इनसे मिलने आया था। क्या तुम क्या कह रही हो शिफा? क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो तुम? मैं मुझे तो पता भी नहीं था कि रोहेल यहां कब आया। मैं तो समर के घर गई थी। उमेर आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। उमेर भाई, उमेर भाई मैंने रोहेल को नहीं बुलवाया था। उमेर भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उमेर भाई मैं तो अपने कपड़े में थी उमेर भाई जब ये रोहेल को वहां लेके आ गई थी। उमेर भाई ये आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है भाई, इसलिए इन्होंने रोहेल का था। तुम झूठ बोल रही हो। सुमायर को नीचा दिखाने के लिए और तुम कितना गिरोगी? कितना? जब से इस घर में आई है तुम झूठ में झूठ बोल रही हो ताकि इसको मेरे नजरों में जलील कर सको। मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया था। किसने सिखाया तुम्हें धोखा देना? किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना? काश तुम भी अम्मी अबू के साथ मर गई होती शिफा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। इससे पहले मैं कुछ कर बैठू, दूर हो जाओ, चली जाओ। अम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है शिफा किसी मुश्किल में है। हम एक बार फिर वहां चल के देख लें। पागल हो गई हो समर? बेशक शिफा मुझे बहुत अजीज है, लेकिन इस वक्त उनके घर जाना या उनके किसी भी मामले में दखल देना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी आप तो कहती हैं कि वो आपकी बेटियों की तरह, तो कल को अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊंगी तो क्या आप मुझसे भी यूं ही मुंह मोड़ लेंगी? अल्लाह ना करे कि तुम किसी ऐसी मुसीबत में आओ और बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि बोलना क्या है। इसका मतलब है अम्मी आपको भी शिफा पे शक है? नहीं, मुझे शिफा पर शक नहीं है, लेकिन तुम खुद ही देख लो, शिफा के ताया ने जो भी कहा वो झूठ तो नहीं कहा होगा ना, और भला किसी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन अम्मी समर, बड़े बूढ़े कहते हैं जब घर का तूफान आए तो घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देने चाहिए, ये नहीं कि तूफान के आगे जमकर खड़े हो जाए। अम्मी शिफा ऐसी लड़की नहीं है। मुझे पता है कि शिफा ऐसी नहीं है, अल्लाह उस बच्ची पर अपना रहम करे। अच्छा चलो उठो, रात बहुत हो गई है, जाकर लेटो। उमेर, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जानते हो ना। मैं तो सिर्फ शिफा रोहिल की शादी करवाना चाहती थी, फिर जब तुमने इनकार कर दिया तो मैंने उसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया। और मैं तो समर के घर गई थी उसकी नानी की तबीयत पूछने। तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैंने तुमसे कोई जस्टिफिकेशन मांगी है? लेकिन शिफा जो कह रही है, मुझे उसकी किसी बात का एतबार नहीं है। अफसोस तो ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें ये सब पहले बताती तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करते?
तुमने शिफा के मामले में कभी भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। यही गलती मेरे सामने आ गई। भाई ठीक कह रही, ये दिन दिखाने से पहले शिफा मार गई होती। ऐसा मत कहो मेहर, देखो जो होना था हो गया, आगे की फिक्र करो। ये रात तो किसी ना किसी तरह गुजर जाएगी, लेकिन सुबह होते ही लोगों को क्या जवाब देना है इसके बारे में सोचो। मैं देखती हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? सुकून मिल गया? हरे हरे घरे को मौका फराहम किया आपने कि मेहर भाई की उंगलियां उठाएं, अब दिल में लगी आग बुझ गई। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया शिफा ने खुद किया। बस रहने दो, तुम अच्छी तरह जानती हो किसने क्या किया है। ताकि इस मामले से दूर रहो प्लीज। मेहर भाई को नीचे भेजो, ताजी बुला रहे हैं। जी ताया जी, आपने बुलाया, आओ बैठो। फिर क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब? अरे इनसे क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ। बेटा एक प्याली चाय की तो बना के ले आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। जी अभी लाती हूँ। जीता जी। उमेर बुलाओ उस नाहंजार लड़की को और उससे पूछो कि किस कमबख्त के साथ मुकाला करवाया है उसने। एक मिनट, एक मिनट। बेशक आप बड़ी हैं लेकिन सोच समझ के बोले, जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन इस तरह की चीप लैंग्वेज इस्तेमाल मत करें प्लीज। सुन रहे हैं आप इसकी बातें? उमेर समझाओ अपने साले को, अरे हम तो तुम्हारी पर्दादारी करना चाह रहे हैं और ये इसे देखो हमें ही बातें सुनाई जा रहा है। जी आप ठीक कह रहे हैं ताकि प्लीज। उमेर भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, अगर ये लोग चाहते तो मामला संभाल सकते थे लेकिन इन्होंने खुद बाहर खड़े होकर चीखना शुरू कर दिया कि कोई लड़का था, कोई लड़का था, कोई लड़का था। अगर आप लोग चुप रहते खामोश रहते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। उमेर बेटा अब इस मामले को खुद ही समझाओ, हम अब चलते हैं यहाँ से। नहीं ताई जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप नाराज ना हो, ये ना समझ आए। ठीक है बेटा रुक जाते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं वरना तुम तो जानते ही हो मेरे गुस्से को। जी देखो मैं सीधा सीधा शिफा से उस लड़के का नाम पूछो वरना कोई मुनासिब रिश्ता देख के रुख्सत करो इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी ताई, अरे सारी दुनिया की उंगलियां हमारी तरफ उठी हुई हैं, उसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। देखो मैं बेटा हम तुम्हारे बड़े हैं और इस हिसाब से हमारा हक बनता है, लेकिन तुम उसके बड़े भाई हो इसलिए हम चाहते हैं कि फैसला तुम करो। ठीक है ताई जी, जैसा आप लोग मुनासिब समझे वही कीजिए। हाय हाय मैं तेरे सदके कुर्बान जाऊं बेटा, ये कह के तो तूने हमारा मान ही बढ़ा दिया। हाँ बेटा ये बताओ तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है, वरना मेरे साले का लड़का है राशिद, अपनी शिफा से चंद साल ही तो बड़ा होगा। कौन? वो राशिद? लेकिन वो तो एबनॉर्मल है ना। अरे क्या कह रही हो, एबनॉर्मल कहाँ है, वो मर्दों में तो सब चलता है। अरे हाँ वो बचपन में उसके साथ कोई मसला था ना, लेकिन उसके माँ बाप ने इलाज करवा दिया था, ठीक हो गया था वो। ठीक कह रही है सुल्ताना, बिल्कुल पूरा कारोबार संभाला हुआ है उसने। शिफा भी खुश रहेगी, तुम्हारी इज्जत का भी पर्दा रह जाएगा, और क्या चाहिए हमें। ताया जी मैं राशिद से मिला हूं, उसका तो एक हाथ मफलूज है। अरे हाथ का थोड़ा सा मसला जरूर है
लेकिन बिल्कुल बेकार थोड़ी है आग। लेकिन ताया जी, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, फिर ढूंढ लो तुम ही कोई अच्छा रिश्ता। देखो बेटा, अभी तो घर की बात है और घर में ही है, लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं है। शिफा ने जो हरकत की है उसकी भनक भी अगर किसी को पड़ गई ना, तो मफलूज हाथ वाले का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। लिख लो मेरी बात। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी। मेहर भाई प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें। उसका सिर्फ हाथ का ही मसला नहीं है, वो पूरा का पूरा एबनॉर्मल है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इनके साथ उसकी दुकान पे गया था मैं। एक लफ्ज़ तो ठीक तरीके से बोल नहीं सकता, एक लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? उमेर खामोश कराओ इसे। अरे होता कौन है ये हमारे घर के मामले में बोलने वाला? वैसे माफ कीजिएगा, होते तो आप भी कोई नहीं है बोलने वाले, लेकिन फिर भी दो घंटे से बोले ही जा रहे हैं। लड़के ताजी, आप प्लीज गुस्सा मत करें, आप बैठे प्लीज। आप बैठिए प्लीज। ताकि प्लीज मेरे भाई, आप तो समझे बात को। प्लीज आप बैठे, आप प्लीज बैठे। कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। मेरे भाई आपने मुझे खुद कहा था, जब अल्लाह ताला किसी मुश्किल में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, तो उसका हल भी खुद निकालते हैं। इंशाल्लाह इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरे भाई आप खुद ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, किसी पागल इंसान से अपनी बहन की शादी करवाने से बेहतर है कि आप उसको खुद मार डालें। यार अच्छे खासे लड़के को पागल कह रहे हो, किसी घटिया बाप की औलाद लगते हो। अगर इतना ही अच्छा खासा है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती उससे? मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं, और ना ही उसने रात के अंधेरे में किसी के साथ मुंह काला किया कि मैं उसके करतूतों पे पर्दा डालने के लिए उसे किसी पागल से ब्याह दूं। लीजिए, सुन लीजिए उमेर भाई, अपनी बेटी की बारी आई तो उसका पागल पर नजर आ गया, और ऐसे दोगले लोगों की बातें सुन रहे हैं? अरे हम तो दोगले हैं, तू अपना अच्छा बन दिखा दे। तुम्हारे ताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमेर। ये अगर तुम्हारा इतना ही सगा और इतना ही हमदर्द बन रहा है ना, तो करते तुम्हारी परेशानी दूर। कर लेना शिफा से निकाह। क्या मैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? उमेर भाई आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं कमिटेड हूं, एक तरह से आधी मंगनी समझ ले उसे। अरे आधी क्या, आजकल तो पूरी मंगनी टूट जाती है। बिल्कुल, तो फिर ऐसा करो ना कि शिफा से निकाह कर लो, मंगनी वाली से दूसरी शादी कर लेंगे। ये आप लोग किसके मंगनी और निकाह की बात कर रहे हैं? अरे भाई, तुम्हारे इस भाई को ऐसा लग रहा है जैसे मैं और तुम्हारे ताया उमेर को गलत मशवरा दे रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि इसे अगर इतना दर्द है तो बन जाए शिफा का सहारा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी मंगनी हो चुकी है, कुछ अरसे में शादी है इसकी। बस बस जी, आप राशि से बात कीजिए। उमेर भाई, आप अपनी बहन पे जुल्म मत कीजिए। मैं कर लूंगा शिफा से निकाह। ताकि तुम जी मैं लेकिन आपको कुछ वक्त देना होगा मुझे। मैं अभी सब कुछ फौरन नहीं कर सकता। क्यों भाई, जब फैसला कर लिया है तो फिर देर किस बात की? ये तो साफ बहाना है। कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा मैं। मेहर भाई आप तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी तरह जानते हैं, मैं शादी करके बीवी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता अभी। अरे लड़की आती है तो अपना रिस्क खुद साथ लेके आती है। उमेर जाओ, काजी को लेके आओ, गवाहों को। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, निकाह कल भी हो सकता है। मेहर भाई मुझे अभी शूटिंग पे जाना है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं शूटिंग के बहाने तलपटी ना हो जाओ। सुनिए जी, आप ही जाके इंतजाम करें किसी निकाह खां का। ठीक है, एक मिनट। मेरे भाई
प्लीज आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो भाई बनकर भी एतबार नहीं कर रहे। ये कैसी मोहब्बत है भाई? ये कैसी मोहब्बत है जो यकीन करना नहीं जानती? भाई आप तो प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। आप मैं को नहीं जानते, मुझे उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा प्लीज। तकीता जी की कोई एक ना एक बात तो माननी होगी। तुम नहीं तो राशिद, यही एक तरीका उनकी है दुनिया की जुबान बंद कराने का। कल सुबह सारे खानदान में ये बात फैल जाएगी और लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे। ताया जी और ताई वो लोग नहीं है जिनसे कोई रास संभाला जाए। या तो मुझे अल्लाह हिम्मत दे या तो मैं खुदकुशी या जहर खा लूं। मेरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किस तरह से समझाऊं आपको? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट्स नॉट इजी। मैं नहीं कर सकता ये। किस तरह से समझाऊं आपको? मेरे भाई ठीक है, मैं राजी हूं। अरे आओ आओ बहू, लाओ लाओ मुझे दो। चलो चलो उड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या काजी के सामने बगैर दुपट्टे के जाओगी निकाह पढ़वाने? निकाह? किसका निकाह? कौन सा निकाह? तुम्हारा निकाह तकी के साथ। अरे अभी भी अगर उस लड़के का नाम बता दो ना जो कमरे से बाहर निकला था, तो अभी इसी वक्त तुम्हें उसी के साथ रुखसत कर देंगे। अरे भैया तुम तो बहुत ही ढीठ। मैं किसी के साथ निकाह नहीं करूंगी, जाके बता दे सबको आप। हाय मेरे अल्लाह, ना उस लड़के का नाम बता रही हो ना निकाह करोगी, क्या कयामत मचा रखी है भाई तुमने? अच्छा हुआ तुम आ गए, सुन लो क्या कह रही है। सुल्ताना तो जैसा कह रही है वैसा ही करो। भाई मैं निकाह नहीं करूंगी। आपको मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं जानती मैं सच बोल रही हूं, वो काफी है। निकाह तुम्हें करना होगा शिफा। भाई मेरे भाई आप मुझे उस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। ठीक है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तकी के साथ निकाह कर लो या तो मेरा मरा मुंह देखो। तो ये हुआ ना कि आपकी मोहब्बत के दावे सब गलत थे। क्या कहते थे आप? आपको याद है? आप कहते थे कि मैं शिफा का भाई नहीं बाप हूं। आप बाप बनकर क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो भाई बनकर भी एतबार नहीं कर रहे। ये कैसी मोहब्बत है भाई? ये कैसी मोहब्बत है जो यकीन करना नहीं जानती, जिसे अपने खून अपनी तरबियत पे भी भरोसा नहीं है।
अगर अब भी तुम्हें अपने भाई की मौत पर यकीन नहीं है तो पूरी जिंदगी नहीं आएगा। तुम्हारा निकाह तकी के साथ होगा और अभी होगा, ये मेरा फैसला है। अगर तुम्हें इस फैसले से निकाह है तो अपना हक इस्तेमाल करो, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूंगा तुम्हारे किसी भी अमल को जस्टिफाई करने के लिए। चलो भाई, ओढ़ो ये दुपट्टा, काजी आने वाला है, बहुत हो गए डरा में। धूल में लिपटे रिश्ते दर्द की शाम, जर्द हुआ क्यों रब्बा माहे तमाम, तेह हुई हो जैसे दिल में नया, डूब चला क्यों रब्बा से काम कर लेंगे आप थोड़ा। तुम फौरन से पहले इस किचन से बाहर निकलो। वैसे भी मुझे पसंद नहीं है कि मेरे मामला में कोई दखलंदाजी करे। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मामला में बढ़ने का। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे सर से कितनी बड़ी मुसीबत मैंने अपने गले में डाल दी है। तुम्हें किसने कहा था कि फरिश्ता बन के बीच में कूदो? दूसरों के मामला में दखलंदाजी करोगे ना तो नतीजा ऐसा ही निकलेगा। तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, कम अज कम इस बात का एहसान कर देते मुझ पर और इस मामले से दूर रहते। दूसरों के मामला ठीक है, तुमने क्या ही अच्छा होता अगर मैं तुम्हारा घर बर्बाद होने देता और मैं भाई को बता देता तुम्हारी असलियत, और बता देनी चाहिए थी मुझे। चलो मान लिया कि मेरे भाई के सनात का बदला चुका है मैंने, लेकिन घर तो तुम्हारा ही बचाया ना मैडम। रहने दो तकीन, क्या बचाया तुमने मेरा घर? तुम तो खुद को भी नहीं बचा पाए और चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं। खुद को इसलिए नहीं बचा पाया कि तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, और उस मासूम लड़की की बातों से बचाया तुम्हें मैंने। बड़ा एहसान किया तुमने मेरे सर पर, जाओ यहां से। मैं सच कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो अपने कपड़े में थी उमेर भाई, जब ये रोहेल को वहां लेके आ गई थी। ये आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है भाई, इसलिए इन्होंने रोहेल का सहारा। तुम झूठ बोल रही हो।
सुमायर को नीचा दिखाने के लिए और तुम कितना गिरोगी, कितना? जब से इस घर में आई है तुम झूठ में झूठ बोल रही हो ताकि इसको मेरे नजरों में जलील कर सको। मैंने तुम्हें झूठ बोलना नहीं सिखाया था। किसने सिखाया तुम्हें धोखा देना? किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना? काश तुम भी अम्मी अबू के साथ मर गई होती शिफा। फरमाइए, अब क्या है? मुझे नींद नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही। शिफा के कमरे की लाइट भी जल रही है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ताकि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और उसे तलाक दो। जिस लड़की की शक्ल मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मेरी भाभी कैसे बन सकती है? चलो तुमके साथ। बेवकूफी की बातें मत करो सुमायर। मेरा भी इस रिश्ते को निभाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इस तरह से उसे तलाक भी नहीं दे सकता। तो क्या 60-70 गवाहों की जरूरत है तुम्हें? क्या क्या सोचा था मैंने, तुमने बीच में पड़ के सब बर्बाद कर दिया। वो लड़की मेरा शहजादा जैसा भाई ले उड़ी। वो बेचारी कहां से ले उड़ी है? माशाल्लाह आपकी हिमाक तो ने आपके शहजादे जैसे भाई को उसकी झोली में डाल दिया। बार बार मुझे कसूरवार ठहराना बंद कर दो। गलती तुम्हारी है, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन देखो, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बात मान लो प्लीज, उसे तलाक दे दो। सुमायर, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरी भलाई से ज्यादा अपनी भलाई के बारे में सोचो। और उसे छोड़ना तो है ही मैंने एक दिन, लेकिन इस तरह से नहीं छोड़ूंगा जिस तरह से तुम चाह रही हो, समझी तुम? ठीक है, तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूं। आप लोग अंदर ही आ जाइए, अब बस आपके सामने आपसे बात करना चाह रहे हैं। समायर तुम भी प्लीज। क्या बात है भाई, क्या बात करनी है अब्बा ने?
जो गलती होनी थी वो तो हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं समाहे बात कर रही हूँ। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अब्बा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें उस वक्त भी कह दिया था कि अगर मेरे घर से जाओगी तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका। लेकिन मुझे आपसे तकी के बारे में बात करनी है। क्या तकी के बारे में क्या बात करनी है अब्बा? बात यह है कि क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तकी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप तकी पर जितना भरोसा करते हैं उससे कई ज्यादा मैंने किया था। लेकिन तकी ने मुझे उमेर से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। उसने शिफा की इज्जत को रुस्वा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरा घर बर्बाद कर रहा है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अब्बा, कहीं का भी नहीं। समाहित, मेरी बात सुनो। समाहिर, समाहिर, मेरे कहने पर तो तुम नहीं माने तकी, लेकिन अब्बा के कहने पर शिफा को तलाक तो देनी ही पड़ेगी। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, खैरियत ही तो नहीं है। हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही, क्या कह रही थी समाहिर? तुम्हारे लाडले ने काल अकमल दी है पूरे खानदान के चेहरे पर। उसने समाहिर की नंद की इज्जत पे हाथ डाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ख्वाब तो वो पूरे नहीं कर सका, कम से कम तुम्हारी उम्मीदों पर ही पूरा उतरता। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, नहीं मैं नहीं मानती। मेरा तकी लाख बुरा सही, मगर ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई गलत फहमी हुई है जरूर। गलत फहमी की बुनियाद पर रातों रात इज्जतें बचाने के लिए निकाह नहीं पढ़वाए जाते। निकाह? ये क्या कह रहे हैं आप? हमें उमेर के घर जाना होगा। हिम्मत है उस लड़के की जिसकी बहन की इज्जत पे हाथ डाला गया और उसने तकी जैसे बेशर्म को कत्ल नहीं किया। समाहिर, देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। ओए बेटा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी श्योर सर। समय तुम प्लीज चाय बना लो और ताकि को जगा दो। आप आइए मेरे साथ। जी प्लीज। आप बैठे अम्मी, मैं तकी को जगा कर रही थी। तकी उठो। क्या मसला है? कोई मसला तो नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए सरप्राइज जरूर है। सरप्राइज? चलो अब अच्छे से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ। और हाँ, तैयार होके आना। एक रात के दूल्हा हो, दूल्हा लगो तो सही। अम्मी आप चाय लीजिए ना। नहीं बेटा, अभी मेरा दिल नहीं जा रहा। अम्मी,
आप? अस्सलामुअलैकुम। ये तो वाकई बड़ा सरप्राइज है। तकी, ये तुमने क्या किया? मैंने अम्मी आप लोग अरे शशि क्या हाल है? आप लोग अंदर ही आ जाइए, अब्बा सबके सामने आपसे बात करना चाह रहे हैं। समायर तुम भी प्लीज। क्या बात है भाई, क्या बात करनी है अब्बा ने? तुम अंदर चलो, पता चल जाएगा तुम्हें। तुमने जो हिमाकत करनी थी वो तुम कर चुके, अब इस मामले को हमें हैंडल करने दो। आओ। अंकल मेरे ताया ताई तो सुबह ही चले गए थे, रात को हमें जो मुनासिब समझा हमने कर दिया। आपने जो कुछ भी किया होगा दुरुस्त ही किया होगा। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेरी पोजीशन को समझने के लिए। अंकल आप तो जानते हैं कि एक लड़की की इज्जत शीशे की तरह होती है, उस पर एक बाल भी आ जाए तो वो धुंधला हो जाता है। और कल रात को तो इतनी बड़ी बात हो गई। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बेहद दुख है। अब ये बातें दोहराने का क्या फायदा, जो गलती होनी थी वो तो हो गई। ठीक कहा उमेर बेटा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। शिफा बेटी आप हमारी जिम्मेदारी है। आप ये महसूस न करें कि वो रुख्सतों के ससुराल जा रही है, बल्कि ये समझें कि भाई के घर से रुख्सत होकर बाप के घर जा रही है। थैंक यू। रुख्सती? कैसी रुख्सती है? तुम अगर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा।